सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी के, जिसमें खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब, कश्मीर डिविजनल कमिश्नर साहब और ट्रांसपोर्ट जे एंड के कमिश्नर साहब के बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने कल भी हमें आश्वासन दे दिया कि मैं आपका जल्द से जल्द फेयर रिव्यूजन करके दे दूंगा। लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं, अभी अभी हमें इंटीमेशन मिली लेटर नंबर TC/JK/PS/73-V-2021 डेटेड 23/2021। तो हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे साथ जो वादे कल किए वो वादे पूरे होने लगे, और हम अपने तमाम ट्रांसपोर्ट भाइयों को का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें भरपूर ताउन दे दिया कि हम कल से अपनी सर्विस पूरी चलाएंगे, हम किसी हड़ताल पे नहीं जाएंगे, हम कोई हड़ताल नहीं करेंगे, हम हड़ताल पे कोई यकीन नहीं रखते हैं। इसलिए हम बहुत ही शुक्रगुजार अपने ट्रांसपोर्टरों के हैं, और ये मुबारक उनको है कि बहुत ही कम टाइम में जो उनके मांगे वो पूरे होने लगी, और इंशाल्लाह कल जो फेयर रिव्यूजन होने वाला है 24 तारीख को और परसों तक जो मिनट्स ऑफ मीटिंग लगेगी, और हमें पूरा भरोसा है जो हमारी डिमांड है, जो हमने अपनी डिमांड रखी है फेयर रिव्यूजन में, वो इंशाल्लाह इसी तरह हमें पूरी उम्मीद है। हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहिबान इसमें हमें भरपूर ताउन और हमारा बिल्कुल ख्याल रखेंगे, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ हमने 11 पॉइंट्स दिए थे डिविजनल कमिश्नर साहब को, जबकि उन्होंने हमें परसों बुलाया था चीफ सेक्रेटरी जनाब के वसादत से, तो उनको हमने 11 पॉइंट्स दिए थे। 11 पॉइंट्स में भी उन्होंने बोला था जितने भी इसमें हमें ठीक लगेंगे वो भी हम करके दे देंगे, और हमें पूरी उम्मीद है फेयर रिवीजन के साथ साथ जो हमारे और भी दीरीना मसले हैं वो भी अनकरीब हल होने जाएंगे। और उन ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से हम गुजारिश करते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो आइंदा ख्याल रखे, ऐसा कोई इनिशिएटिव ना ले जिससे लोगों को और ट्रांसपोर्टरों को नुकसान पहुंचे। शुक्रिया।